मेरे साथ ही क्या हो गया यार, मैं आप लोग बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे कि मैं आपसे सब शेयर कर दूँ तो मैं आपसे ये भी शेयर करने वाली हूँ। हाय यूनिकॉर्न्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज गए हैं सुबह के 9:30 और मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई हूँ। लेकिन आज बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको, भयंकर कोहरा लगा है, देखो चारों ओर कोहरा, लग ही नहीं रहा देखिए कि सुबह के 9:30 बज रहे हैं। सो बडीज, अभी मैं आई हूँ साइबर कैफे में क्योंकि मुझे प्रिंट आउट निकलवाना था एडमिशन फॉर्म का और वो कॉलेज में सबमिट करना है, इसके बाद मैं सीधा कॉलेज जाऊँगा। मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ क्लास में और अब आप लोगों से मिलूँगी क्लास के बाद। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है यार। 2000 years later. सो बडीज, अभी बज रहे हैं 2:00 और मेरी क्लासेस ओवर हो गई है और लकीली आज मुझे यूनिफॉर्म भी मिल गई। सो सिविल ड्रेस का आज लास्ट डे है, कल से मैं अपनी कॉलेज यूनिफॉर्म में आऊँगी। मतलब आज ना मैंने प्लान भी नहीं किया था यूनिफॉर्म लेने आऊँगी, मैं आई और लकीली मिल भी गई, यहाँ एक भी बच्चा नहीं था, आज अकेले मैं थी। सो अब मैं जा रही हूँ घर। अभी बज रहे हैं 5:30 और कॉलेज से घर आने के बाद में मैं सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ। उठने के बाद में फिर बालों में तेल ही डाला क्योंकि बहुत दिन हो गए थे यार, बाल बहुत फ्रीजी फ्रीजी हो रहे थे, तो मैंने तेल डाल के ऊपर बांध दिया। और अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर, चले भी गए वो क्योंकि कुछ सामान लाना था, तो वैसे तो वो अकेले जा रहे थे लेकिन मैंने कहा मैं भी जाती हूँ, वो रो जाऊँगी नहीं तो। छोड़ो, मैं चेटा मारूँगी, मत कर भाई, मास्क लगा लेते, कोरोना आ गया। और वैसे भी मुझे कोल्ड हो रहा है यार। ए आ गया, आ गया, आ गया, बैठ जाओ। क्या अच्छी बात है, आदमी फोन में बात कर रहे हैं, उसको देखो भाई कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, मत पूछो, हैंकर ऐसा लग रहा है कंबल लेके आना था साथ में, कुछ भी जम गई मेरी तो। मम्मी ना फोन में बात करते हुए चल रहे मस्त अपने दोस्त से, मैंने कहा आ गई, मैं आई क्यों पता नहीं, शौक शौक में आ तो गई, अब रिग्रेट हो रहा है। इससे बढ़िया तो मस्त अंदर ब्लैंकेट में पड़ी रहती है। अभी रोही, अभी रोहिया चिकन खाना जाए, पौड़ी चिकन लेना है हम। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। सो बडीज, हम पहुंच गए रेहान भैया की शॉप पे। मछली के बारे में तो मछली मत लो ना, कौन ले रहा मछली, क्या लेने की सोच रहे हैं, यहाँ पे मछलियाँ भी है बहुत सारी। भैया कांटे वाले कौन सी है, बिना कांटे वाले, ये कांटे वाली है, बिना कांटे वाली। कितने रुपए मछली ले रहे हो क्या? देखो हम चिकन लेने आए थे और हम मम्मी मछली ले रहे हैं। क्या क्या लेना है, मछली खाना है चला? चिकन नहीं खाना यार, चिकन से बोर हो गई मैं, मछली से बहुत मेहनत लगती है मछली में, नहीं लेकिन मछली खाना पापा ही बना सकते हैं ना, आज पापा के बिना भी बना के दिखा दो चलो। हे भगवान, ये डिसाइड नहीं कर पाते, चलो ठीक है यार चिकन भी चलेगा। भैया ये क्या है, इनसे क्या बनता है, है? ओहो, और ये तो प्रॉन्स है, दिखाओ एक बार, चलो दिखा देती हूँ। ये देखो सूखी हुई मछलियाँ, ये सारी है, और यहाँ पे एग, मम्मी गए हैं यहाँ पे चिकन लेने। पहाड़ी मुर्गा है क्या? हाँ जो देसी वाला होता है तो एक उसका एक ही लेग पीस इतना मोटा है सारा, क्या बढ़िया है। तो बडीज हमने ले लिया है चिकन, भैया भी टाइम, हाँ भैया भी टाइम ले रहे हैं।
किसी में डाल क्यों कम तो हो गया, पहले 220 और खा था, आजकल और खाना 200। अभी बाय बोल के अब हाय हो रही है। ये देखो बड़ी आसमान कितना सुंदर लग रहा है यार, पूरा पिंक हो रहा है। अभी मैंने सर्दी में अपनी के लिए ली आइसक्रीम और मम्मी ने लिया दूध। मम्मी दूध देने के लिए रुके थे, ठंड में मुंह भी काम नहीं कर रहा है, मेरे तो नोज पूरी रेड हो गए। देखो 84 बैठ जाओ, चलो तो टेस्ट। सर्दियों में आइसक्रीम का मजा ही कुछ और है यार। हो गया सारा सामान ले लिया। वो धनिया नहीं लिया? ना, मुझे बोला था आपने। सो बडीज हम लोग घर पहुंच गए हैं और ठंड से बर्फ भी बन गए मेरे पास है। हालत खराब हो गई यार, मम्मी को देखना था। कैसा लग रहा है मम्मी बाहर जाके? उन्हें गुलाब जैकेट मत पहना, मेरे तो ये जो ठंड के मारे ऐसी कुल्फी जम गई है। मैं तो कुल्फी खा के आ गई, मजा आ गया, पर जम भी गई यार। आज तो मैं आग जलाऊंगी पक्का पक्का। इसको देखो सोना चला गया, अभी तक मेरे को सूंघ रहा था पूरा। वहां पराठे मिला था ना रास्ते में, तब क्या है अंदर नहीं है ना, चलो बाहर। सो बड़ी मैं बाहर आ गई हूँ आग जलाने के लिए, और अभी फिलहाल तो लकड़ियाँ तोड़ रही हूँ, मम्मी ने पहले से इकट्ठा करके रखी हुई थी, लेकिन आज मैं जला रही हूँ। देखो पहले हमने यहाँ पे आग जलाई थी, लेकिन यहाँ पे अभी गीला हो रखा है यार, इस प्लॉट में पूरे में ही पानी भरा है, पानी कहाँ से आ रहा था, बस एक यही जगह सूखी बची थी और ये मैंने इस बार कब्जा ली। देखते हैं जलेगी मुझसे आग की नहीं। वैसे तो मैं दो दो कट्टे भी लाई हूँ, मम्मी बोल रहे थे इनकी हेल्प से जलाना, जल्दी जलेगी। अरे अरे ये कैसे छूट गई भाई। तो ये मेरी पूरी जुगाड़ सेट है, अब मैं जलाने जा रही हूँ आग। सो बडीज फाइनली मैंने आग जला दी है, वो भी अपनी मेहनत से। भाई द लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज ऑन टॉप। मैंने तो सोचा नहीं था मुझसे जलेगी भी, लेकिन कट्टों से नहीं चली यार, मुझे अंदर जाके न्यूज़पेपर लेके आना पड़ा, न्यूज़पेपर की हेल्प से जला पाई भाई। लेकिन अपनी मेहनत से जला रखा है ना, तो मुझे आग सेकने में भी उतना ही मज़ा आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने आज सुबह से कितने बार कपड़े बदल दिए, एक बार कॉलेज जाते वक्त, फिर उसके बाद मार्केट जाते वक्त, और फिर अभी। पता है मैं ना ऐसी ब्लैक जैकेट पहन के आ रही थी बाहर, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना, मैंने बोला ना भाई इसमें तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं अंदर गई और कोट भी डाल के आ गई। सही क्या ना। हाँ लेकिन आज मैं अकेले बैठी हुई, मम्मी तो डिनर बना रहे हैं और अनीता दीदी पता नहीं कहाँ है। टाइसन की आवाज़ आप सुन ही रहे हो, भौंके जा रहा है तब से कि बाहर की बैठी है, मुझे भी ले जा। बडीज मेरे साथ ही क्या हो गया यार, मैं आप लोग बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे कि मैं आपसे सब शेयर करती हूँ तो मैं आपसे ये भी शेयर करने वाली हूँ। भाई मैं वहाँ आग सेक रही थी और भयंकर धुआं आ रहा था, अभी थोड़ा साइड में आई हूँ मैं, अगर ऐसे आंसू आ रहे थे ना, बस यही हुआ था यार, और कोई वजह नहीं है मेरे रोने की, सॉरी। क्या हुआ टाइसू? बड़ी यार इतनी मस्त आग जल रही है ना, और मम्मी ने अभी खाने के लिए आवाज़ दे दी। देखते हैं यार, क्या पता मैं उन्हें कन्विंस कर लूँ यहाँ पे बैठ के खाने के लिए, वैसे वो मानेंगे तो बिल्कुल नहीं, लेट्स सी। मन नहीं हो रहा भाई इतनी मस्त आग छोड़ के जाने का, लोअर भी गर्म हो गया, जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। मम्मा प्लीज़ मॉम वहीं बैठ के खाते ना, प्लीज़ यार, ठंडा हो रहा है बार को, इतनी मस्त आग जला रखी है। जन्म पर आगा तापा हमें। देखो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं।
इसलिए नहीं जा रहे हैं। वाह, प्लानिंग और प्लॉटिंग सुन रहे हो आप लोग, देख रहे हो, देख रहे हो। बडीज यार ये नहीं माने बाहर चलने के लिए, अब अंदर ही बैठ के खा रहे हैं। तो मौसी से बात करें ना तब इनका और मन नहीं हो रहा होगा। बहुत टेस्ट हो रहा है। हरी अड्डा तो फोन में बैठ के बोल देगी यार, हाँ भाई चिड़ा भी रहे फोन। तो मैं ये अड्डे बैठ के हवा जा जाए है। बडीज हम लोग का खाना पीना हो गया है और अब हो रही है सोने की तैयारी। देखो टाइसन भी सोने के लिए बैठ गया अपनी जगह पे, कैसे देख रहा है एक टक कैमरे को, मतलब मुझे देख रहा है पर ऐसा लग रहा है ऐसे कैमरे को देख रहा है। लेकिन आज मैं सो रही हूँ मम्मी के साथ में, और पता नहीं कैसे मम्मी ने परमिशन दे दी तो आज मम्मी के साथ सो रही हूँ। वैसे भी भाई इतनी ठंडी हो रही है ना तो अकेले सोने में मतलब हक करने के लिए कोई होता नहीं है, मम्मी थोड़े तो हक करने में मज़ा आता है। सो आज का ये व्लॉग एंड करें यहीं पे। आई होप आप लोगों ने व्लॉग इन्जॉय किया, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।